क्योंकि इस समय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपनी पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा कर रही है। तो आखिर ये कांग्रेस के बड़े नेता अपने नेताओं के एकाकी बात कब शुरू करेंगे? बिछड़े मिलेंगे या दरारें बढ़ेंगी? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय बगूर, देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों पारा 45 पर पहुंच रहा है, आसमान से जैसे सूर्यदेव अग्नि बरस रहे हैं और इसी के साथ साथ हरियाणा प्रदेश के जो राजनीतिक दलों के नेता हैं ना, उनका भी पारा बहुत चढ़ रहा है। बहुत इस समय जो राजनीतिक दलों के नेता हैं, क्योंकि चुनावी सीजन नज़दीक आ रहा है और जब चुनावी सीजन नज़दीक आता है तो उस समय खासकर राजनेताओं में गर्मी बढ़ जाती है और उस गर्मी को लेकर के इस समय जो नेताओं के जो बोल चल रहे हैं, जो बयान आ रहे हैं, वो राजनीतिक पारे को भी इस गर्मी के साथ साथ और ज़्यादा गर्मा रहे हैं। मान लो कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ जैसे तपा तपासा हो रहा है और इन सबके बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जो जनसंवाद कार्यक्रम चल रहे हैं वो आज यानी कि 24 तारीख को महेंद्रगढ़ में होंगे। और मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम शुरू होने से पहले एक बड़ा अजब नज़ारा देखने को मिला। महेंद्रगढ़ में पुलिस भारतीय जनता पार्टी के एक पुराने कार्यकर्ता के घर जा पहुंची। भाजपा के वो कार्यकर्ता बहुत पुराने हैं, सूबेदार जगराम, क्योंकि फौजी हैं तो हो सकता है उनका भी शायद कहीं ना कहीं गुस्सा रहता होगा। कारण क्या रहा कुछ पता नहीं, लेकिन बाद में विधायक अभय सिंह यादव ने कहा कि ये गलती है वाकई और पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब दोस्तों एक बात जरूर चलेगी, आखिर ये जनसंवाद ऐसे कैसे जनसंवाद है? मान लिया कि यहाँ तक ठीक था कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, जनता के कार्यकर्ता, इनको रोका भी जा रहा हो अगर, लेकिन अगर भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी रोका जाएगा तो आखिर ये जो प्रदेश के नौकरशाह हैं, जो अधिकारी हैं संबंधित जिलों के जहाँ ये कार्यक्रम हो रहे हैं, वो आखिर संदेश क्या देना चाह रहे हैं? हम कतई यह तो नहीं मान सकते कि मुख्यमंत्री ने कहा होगा, हम कतई ये भी नहीं मान सकते कि भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने कहा होगा, लेकिन अगर सरकार को, सरकार के अधिकारियों को कहीं कोई दबिश देनी भी थी या किसी प्रकार की कोई उनके पास इंटीमेशन था तो उसके बहुत अलग तरीके थे। लेकिन इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के घर जा पहुँचना मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रमों जो कि पहले से ही विवादित होते जा रहे हैं, एक और विवाद का साया उसके ऊपर छोड़ता है। खैर ये बात तो जनसंवाद कार्यक्रम की थी, बात मैंने आपसे शुरू की थी कि राजनीतिक पारा गर्मा रहा है। आजकल जो नेताओं के, राजनेताओं के, पॉलिटिकल पार्टीज के जो पदाधिकारी हैं, बड़े जो बयान दे रहे हैं, वो राजनीति को कहीं ना कहीं अधिक गर्म कर रहे हैं। अब देखिए अभय सिंह चौटाला जी का एक बयान था, अभय सिंह चौटाला जी ने एक बयान में ये कहा कि अजय सिंह चौटाला से तो जो उनका लबोलुआब था बयान का, वो बता रहा हूँ आपको कि अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अजय सिंह से तो कोई परहेज नहीं है, यानी कि अपने बड़े भाई से तो कोई परहेज नहीं है, पर भतीजे की एंट्री नहीं होने देंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तो पहले ही कहते रहे हैं कि दुष्यंत को इनेलो में नहीं लूंगा, क्योंकि इस समय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपनी पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा कर रही है तो वो भी पूरी चर्चाओं में है। जिस प्रकार मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम चर्चाओं में है ना, वैसे ही अभय सिंह चौटाला और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की परिवर्तन यात्रा भी चर्चा में है। और इसके साथ साथ चर्चा में है चौटाला बंधुओं के, यानी कि ओम प्रकाश चौटाला जी के और अभय सिंह चौटाला जी के, तो दूसरी तरफ दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के वो बयान जो कहीं ना कहीं राजनीतिक गर्मी बढ़ा देते हैं। और इसके साथ साथ वो जो पारिवारिक उनका जो विवाद है, जो पारिवारिक कम राजनीति की कहा जाएगा, वो उसको भी कहीं हवा दे देता है। लेकिन इसके बीच सबके बीच में अभय सिंह चौटाला जी का ये कहना कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के बारे में तो सोच सकते हैं लेकिन दुष्यंत चौटाला को राजनीति में, जो अजय सिंह चौटाला के वारिस हैं, अजय सिंह चौटाला का कार्यभार संभाल रहे हैं, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, और मान लें कि जननायक जनता पार्टी के कर्ता धर्ता दुष्यंत चौटाला ही हैं, तो अभय सिंह चौटाला ने कहा कि दुष्यंत चौटाला को नहीं आने देंगे। अगर कहीं इस परिवार में कहीं अगर ये सोचा जाए कि कहीं एका की बात चल रही है तो ये कैसा एका हो सकता है? और जब एका की बात करेंगे तो फिर कांग्रेस की बात क्यों नहीं होगी? कांग्रेस के नेता जो आजकल पूरी जोश में हैं, जब से कर्नाटक में सरकार बनी है तो हरियाणा के कांग्रेसियों को भी ऐसा लग रहा है कि जैसे चंडीगढ़ अब दूर नहीं है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो अपना एक
छह सूत्री एजेंडा भी जारी कर दिया, जिसको उन्होंने ट्विटर पर और सोशल मीडिया वॉल्स पर अपना डाल दिया कि 500 रुपए का सिलेंडर, 300 यूनिट बिजली फ्री, ये वो, जैसे पांच गारंटी दी थी ना राहुल गांधी जी ने कर्नाटक के अंदर, वैसे दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा में छह गारंटी देने की बात कर रहे हैं। लेकिन आखिर ये गारंटी काम कैसे करेंगी? कर्नाटक के अंदर जब कांग्रेस के जन चुनाव लड़ने के लिए इकट्ठा हुए तो फिर वो इकट्ठा ही हो गए, लेकिन हरियाणा के कांग्रेस जन तो अब जब चुनाव में, लोकसभा चुनाव में एक साल भी नहीं बचा, पता नहीं क्यों इकट्ठा ही नहीं हो पा रहे हैं। किरण सिंह चौधरी अलग बयान दे रही हैं, कुमारी सैलजा की अलग डबली बज रही है, रणदीप सुरजेवाला भी आजकल दमादम है क्योंकि उनके दम पर उनका एक बड़ा हस्तक्षेप था, कर्नाटक के अंदर सरकार बन गई है, रुतबा बढ़ा है रणदीप सुरजेवाला का। इधर जो दीपेंद्र हुड्डा से और उनके पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी कि हुड्डा पिता पुत्र, वो पूरी राजनीतिक गर्मी के अंदर है इस समय। और मान लिया जाए कि हुड्डा परिवार को तो ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस है तो हुड्डा है, हुड्डा है तो कांग्रेस है। लेकिन अगर इसी प्रकार से जो मैंने आपसे कहा कि जैसे चौटाला परिवार में कोई बातें चलती हैं एकाकी, तो आखिर ये कांग्रेस के बड़े नेता अपने नेताओं के एकाकी बात कब शुरू करेंगे? आपको ध्यान होगा अभी जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भांजी ने कहा कि जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के 15 से 20 विधायकों की सूची उनके यानी कि कांग्रेस के नेता जेपी के पास है जो उनकी पार्टी में आ सकते हैं, तो किरण सिंह चौधरी का हालांकि उस उनके बयान का परिप्रेक्ष्य कोई भी रहा हो, लेकिन जोड़ा जा सकता है जब किरण चौधरी ने ये कहा कि जब सबको साथ ले चलेंगे तो बात बनेगी। तो दोस्तों मैं ये बता रहा था कि हरियाणा की जो राजनीति है वो इस गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी ले रही है और नए नए रंग सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ एक चीज और चल पड़ी है कि आने वाले समय में, क्योंकि राजनीतिक गठजोड़ भी होंगे, राजनीतिक तालमेल भी होंगे, किस पार्टी का किससे तालमेल होगा इसको लेकर भी चर्चाएं चल पड़ी हैं। जैसे नीतीश कुमार जी का पूरे देश के अंदर एक गैर भाजपा मोर्चा बनाने का जो अभियान चल रहा है, वो अभियान हरियाणा में भी चलेगा या हरियाणा में कितना कारगर होगा, चर्चा उसकी भी होगी। तो क्योंकि आने वाला समय राजनीति का है और राजनीति जो ना करा दे वो सही, तो राजनीति जो ना करा दे वो सही, इसी तर्ज पर हरियाणा के अंदर क्या कुछ होगा, कैसे ना राजनीतिक रंग होंगे, कैसे तालमेल होंगे, बिछड़े मिलेंगे या दरारें बढ़ेंगी, और इन सब पर तय होगा परिणाम की राजनीति का, हरियाणा में राजनीति अगले किस कदर कैसी चाल चलेगी। जिज्ञासा आपकी भी होगी और समय समय पर जानकारी हम भी आपको देते रहेंगे। बस जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।